एक रस्सी में मैं ढेर सारे बलून्स को लगा करके फोटोज को कैप्चर करता हूँ एंड भाई फोटोज कुछ इस तरीके से निकल करके आते हैं। ठीक उसी तरह जमीन पर ढेर सारे कांच के टुकड़ों को बिछा करके अपने फोन से मैं एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन जैसे इस वीडियो को हम 180 डिग्री में रोटेट करते हैं तो भाई रिजल्ट बहुत ही गजब का लगता है। एंड ये सारे शॉट को मैंने कैप्चर किया है अपने ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस के कैमरे से। तो हे गाइस, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं योर स्मार्ट मेकर। एंड आज के इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव शॉट लेंगे जो कि पिक्चरों में भी कुछ कुछ शॉट लेने के लिए इसी तरीके का यूज करते हैं। सो यार, इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर देना और एंड में वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने सभी दोस्तों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने फोन में लगे सबसे पहले कैमरा वाइड एंगल लेंस से, जिससे आप लोग अपनी वीडियोस को या फिर फोटोज को अप टू 112 डिग्री तक शूट कर सकते हो। अब यारो, ये वाइड एंगल लेंस को देख करके ना मेरे दिमाग में बॉडीगार्ड मूवी का एक वाइड एंगल शॉट याद आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वही शॉट को रिक्रिएट करते हैं अपने ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस के कैमरे से, जिसके लिए हमें लगेगा एक मोटा सा ग्लास जो कि 100 केजी तक का वेट ले ले कम से कम, तभी तो उसके ऊपर हम लोग चल पाएंगे। तो भाई इसके लिए हम लोग ने ऐसा वैसा ग्लास नहीं, एक टफ ग्लास लिया हमने 12 mm का, इसको गाड़ी के अंदर लोड करके सीधा पहुंचते हम लोग स्पॉट पर। अब यहाँ पर मैंने चार अलग अलग टेबल भी लेकर आए हुए थे एंड वही चारों टेबल के ऊपर मैंने कांच को कुछ इस तरीके से रख दिया था। अब भाई सारा को सेट करने के बाद अपने फोन को मैं यहाँ पर निकालता हूँ एंड कैमरे में जाकर के 0.6x पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मोबाइल को कांच के नीचे रखते हुए अपने हाथ से ही काफी सारा शॉट लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट जब मैं देखता हूँ तो मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं फाइनली थोड़ा सा रिस्क लेकर के कांच के नीचे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या था कि फोन के अंदर जो भी फ्रेमिंग वगैरह बनाना था वो मैं खुद भी मॉनिटर कर सकता था। तो भाई फाइनली 1.5 से 2 घंटा कोशिश करने के बाद एक फाइनल शॉट हमें मिल ही जाता है, जिसको ऑप्टिकल फ्लो करके मैंने यहाँ पर स्लो मोशन किया हुआ है एंड शॉट बिना कलर ग्रेडिंग का कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड जैसे ही हम लोग इसको कलर ग्रेड कर देते हैं तो वीडियो का रिजल्ट आप लोग के सामने। बढ़ते हैं अगले फीचर्स की तरफ जो कि इस रेनो सीरीज का सबसे बड़ा अपडेट है। यस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेलीफोटो लेंस के बारे में, जो कि 64 मेगापिक्सल का आप लोग को मिलता है, जिससे आप लोग अपनी वीडियो को 3x ऑप्टिकल जूम करके रिकॉर्ड कर सकते हो एंड अप टू 120x तक अपनी फोटोज में जूम करके कैप्चर कर सकते हो। अब ये सब सुन करके आप लोग को लग रहा होगा तो उससे मेरा क्या फायदा? बहुत सारे फायदे, बताता हूँ। अब 3x ऑप्टिकल जूम में क्या होता है, एक ही फ्रेम के अंदर आप लोग का बैकग्राउंड एंड आप लोग का फोरग्राउंड दोनों की डिटेलिंग काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर होती है बिना कोई वीडियो क्वालिटी को लूज किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, ये शॉट 1x पे लिया है हमने जो कि इतना मजा नहीं आ रहा था, उसी सिमिलर में ये शॉट मैंने 3x पे लिया है जो कि क्लियर देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड काफी पास दिख रहा है फोरग्राउंड से, जिससे आप लोग की वीडियो पहले वाले की कंपेयर में काफी हद तक ज्यादा बढ़िया लग रही है। वेल, ये सारे तो हो गए वीडियोस के एग्जाम्पल। अब आप लोग सोचेंगे कि ये टेलीफोटो लेंस फोटो में क्या काम आता है। Yes! ये टेलीफोटो लेंस आपके पोर्ट्रेट शॉट को और भी ज्यादा डेप्थ एंड डिटेलिंग के साथ कैप्चर करने में मदद करता है। तो चलो क्यों ना यही पोर्ट्रेट मोड को लेवल अप करके कुछ सुपर क्रिएटिव शॉट लिया जाए, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले आता हूँ ढेर सारे बलून्स, एक मोटी सी रस्सी और कुछ प्रॉप्स। तो सबसे पहले तो मैं दो टूल को एक के ऊपर एक लगा देता हूँ, जिससे हमें थोड़ी सी हाइट मिल जाए। फिर उसके ऊपर सारा सामान एक एक करके लगाता हूँ ताकि यहाँ पर ना झूले का एक प्रॉपर फ्रेम बन पाए। तो यहाँ से फोन को निकाल करके पोर्ट्रेट मोड पर जाता हूँ, क्योंकि जितना फोन का कैमरा नीचे की तरफ होगा उतना सामने बैठी मॉडल हाइट पर दिखेगी। तो भाई सारा कुछ सेट करने के बाद यहाँ पर फोटोज को मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट रिमूवर की मदद से नीचे का टूल एंड नीचे की जमीन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड भाई रिजल्ट आप लोग के सामने है, जो कि काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से फोटोज को कैप्चर किया हुआ है, अगर आप लोग जूम भी करके देखते हो तब भी डिटेलिंग काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर हुई है। अब अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके मैंने कुछ सैंपल शॉट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ना क्लियरली देख सकते हो कि इसका आउटपुट किस तरीके से निकल करके आता है।
ओके सो बढ़ते हैं अब इस फोन के 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे की तरफ जो कि IMX 890 सेंसर के साथ आता है एंड इसमें OIS भी दिया हुआ है जो कि मैंने काफी टफ कंडीशन में शॉट लिया बट कैमरा काफी हद तक स्टेबल रिकॉर्ड कर रहा है एंड उसी के साथ साथ यहां पर मैरी सिलिकन चिप दिया हुआ है जिससे ओप्पो दावा करता है ना कि लो लाइट कंडीशन में भी आप अपनी फोटोज या फिर वीडियोज को काफी बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर सकते तो हमने सोचा चलो क्यों ना नाइट में भी वीडियो को टेस्ट करते हैं बट नाइट के साथ साथ हमने कंडीशन को और भी टफ करके शूट किया। देखो पहले तो फोन को उल्टा कर देता हूँ लो एंगल पर और ठीक फोन के ऑपोजिट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लाइट सीधा कैमरे के लेंस पर पड़ रही थी एंड एट द सेम टाइम बारिश भी काफी तेज हो रही थी तो ये तीनों ही कंडीशन में मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ बट ये वीडियो मैं नॉर्मल नहीं बल्कि रिवर्स चलते हुए रिकॉर्ड करता हूँ एंड रिजल्ट आप लोग के सामने लाइटिंग को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस किया इसने जो कि आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग को 3D कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलता है विद 1400 निट्स ब्राइटनेस के साथ में। और अगर बैटरी की बात किया जाए तो 4700 mAh की बैटरी मिलती है विद 100 वॉट सुपर वुक चार्जिंग के साथ में जो कि प्रैक्टिकली मैंने 1:37 पर अपने फोन को चार्ज पर लगाया था एंड ठीक 1:59 पर 95% तक बैटरी चार्ज हो जाती है। ऑलराइट सो वापस आ जाते हैं डे लाइट कंडीशन में एंड बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लो मोशन फीचर्स की तरफ जो कि इस बार नॉर्मल नहीं बल्कि कुछ अलग पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए ना मैं ढेर सारे कांच के टुकड़े को मुंबई से 150 किलोमीटर दूर ऑफ रोडिंग करके लेकर पहुंचता हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से लोकेशन पर जिसके पीछे की कहानी मैंने अपने शॉर्ट्स ब्लॉग पर अपलोड करी है। अगर आपको शॉर्ट्स वीडियोस में इंटरेस्ट हो तो योर स्मार्ट मेकर शॉर्ट्स पर जाकर के देख सकते हो। तो यार फाइनली एक प्रॉपर लोकेशन पर पहुंच करके वो कांच के टुकड़े को पानी से धो करके लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं एंड फोन का पोजीशन मिरर की तरफ टिल्ट करते हुए रखता हूँ। इसमें मॉडल को हमने कैप्चर नहीं किया है। उसके बाद साइड की तरफ मूव करते हुए ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ एंड सच बोलूं ये शॉट को ना परफेक्ट लेने के लिए काफी सारा रिटेक देना पड़ा हमें बट फाइनली एक परफेक्ट शॉट हमें मिल ही जाता है। लेकिन इसको ऐसे देखने में तो नॉर्मल लग रहा होगा, अब जैसे ही फोन को उल्टा करके देखोगे तो भाई पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। इसको कलर ग्रेडिंग करके फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ आपको।